नमस्कार प्रणाम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मस्त होंगे जैसे हम मस्त हैं। आज एक इम्पोर्टेंट बात लेकर के आए हैं कि आज हमारे पास एक गाड़ी आई थी यॉन सर्विस करने के लिए, जो कि 2017 मॉडल थी और गाड़ी एकदम हनहनुआ कंडीशन में थी। इंजन भी देखने में ठीक था, लेकिन उसमें से जो निकला है वो क्या निकला है ये आपको बता दें। ये देखो मोबिल, इतना मोबिल निकला है। मतलब ये मोबिल जो है बहुत ज़्यादा होगा ना तो 600 ग्राम होगा, आधा लीटर से 600 ग्राम। तो यहाँ पे हम आपसे ये कहेंगे कि किसी के भरोसे ना रह के, बल्कि हो सके तो 15 दिन पे 20 दिन पे सुबह के टाइम गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं आप, तो एक बार गेज निकाल करके मोबिल चेक कर लीजिए। मोबिल अगर गेज पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि समझिए कि मोबिल इंजन में नहीं है, और ऐसे ही स्थिति में इंजन जल्दी ख़राब होता है। अब इसमें ना तो आपकी गलती है ना तो किसी और गलती है, सिर्फ मोबिल नहीं है इसकी गलती है। मोबिल की क्वालिटी भी आपको दिखाते हैं, मोबिल देखिए कैसा है। ये देखो मोबिल की क्वालिटी, जैसे तारकोल का तेल जैसे होता है ना, तो तारकोल के तेल जैसा मोबिल हो गया है। अब देखो एकदम करिया के साथ साथ, फिर एक बार उठा के दिखा रहे हैं। अब देखो देखो आप, मतलब तारकोल का तेल जो है इससे भी फिर भी साफ मिलेगा जहाँ तक। अब फिल्टर भी बेचारा कितना, फिल्टर का वजन हमको लग रहा है कि फिल्टर का जो वजन है वो वजन करीब करीब 500 ग्राम से 600 ग्राम करीब हो गया है वजन। अब आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें कितना कचरा भरा है, डस्ट इंजन से कितना गया है। कभी भी इंजन अगर ख़राब होता है तो इसका कारण ये नहीं होता है कि उसका दोष CNG पे जाता है या दोष मिस्त्री पे जाता है, कभी कभी हमारी लापरवाही का भी परिणाम ये होता है। कई बार आप लोग देखे होंगे जैसे गाड़ी चल रही है और नीचे से ठक से आवाज़ आया और आदमी ध्यान नहीं दिया, रुक करके देखा नहीं, वैसे चला दिया तो 5 मिनट बाद क्या होगा, वो इंजन सीज हो गया। उसका कारण क्या होता है ना कि आपका खट से आवाज़ आने का मतलब ये हो गया कि आपका किसी गटर के ढक्कन से या किसी डब्बे से या किसी ईंटे से किसी आधा घुमा किसी पत्थर से आपका नीचे से लड़ा। और आजकल के गाड़ियों में भैया मैं बता दूं बड़े भाइयों कि चेंबर जो है वो एल्युमिनियम का है। अब एल्युमिनियम के चेंबर होने के नाते जल्दी से फट जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सुरक्षित दिया हुआ है लेकिन अब वो फट जाता है तो चेंबर से मोबिल निकल गया, इंजन सीज होता है। आजकल एक फ़ायदा है, प्लस पॉइंट बता दें आपको, इंजन सीज होने के बाद भी एक फ़ायदा जो है वो पता है क्या है, क्रेंक जब सीज होता है तो पल्ला जब चपकता है तो थोड़ा सा वो कसर छोड़ देता है। अब ऐसे में आपको क्या करना है ना कि आप अगर सिर्फ पल्ला भी चेंज कर देंगे तब भी आपका काम चल जाता है, ये एक प्लस फायदा है। लेकिन कब, वक्त रहते हुए आपने गाड़ी को बंद कर दिया है, जब वक्त रहते हुए आप गाड़ी को बंद कर देंगे तो आपका इंजन पूरा खुलने से बच जाएगा। सिर्फ चेंबर को बाहर निकालेंगे और पल्ले को चेंज कर देंगे तो आपका काम बच जाएगा, यानी कि इंजन नहीं खुलेगा। तो ऐसे आपको ध्यान देना है, कभी भी इंजन के अंदर अगर ठक से आवाज़ आए तो एक बार आपको नीचे उतर के ज़रूर देखना है कि रेडिएटर का पानी पूरा है, इंजन ऑयल पूरा है कि नहीं, उसके बाद आपको गाड़ी चलानी है। आज के वीडियो में इतना बहुत है, मिलते हैं फिर एक कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर एक वीडियो लेकर के। तब तक इस भाई को दिल में जगह देना, आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट वमेंट करते रहना, दिल में जगह देते रहना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय बाय।